हमारे शो पांच का तड़का का, तो लीजिए लौट आए हैं आज एक बार फिर से आपके बीच इस शो को लेकर। आज के स्पेशल प्रोग्राम पांच का तड़का में हम करेंगे बात एक बार फिर से पांच बॉलीवुड की खबरों के बारे में, पांच का तड़का लगाकर। जी हाँ, एक बार फिर प्रेजेंट करते हैं आपके बीच हमारे इस स्पेशल एपिसोड को। मैं आपकी होस्ट तृप्ति, आज पांच का तड़का में आपको पांच बड़ी खबरें देने वाली हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं पांच खबरों की तरफ, जिसमें पहले नंबर पर, जी हाँ पहले नंबर पर आप जानेंगे बॉलीवुड की चुलबुली अदाकारा काजोल कैसे अपने हबी जो कि बॉलीवुड के सिंघम एक्टर अजय देवगन हैं, उनका मजाक बनाती हुई बॉलीवुड में काफी चर्चा बटोरती नजर आई। दूसरे नंबर पर आप जानेंगे सलमान खान के बारे में कुछ एक ऐसा सच जिसका आपको अंदाजा भी ना हो। लेकिन तीसरी, चौथी और पांचवी खबर के साथ पांच बॉलीवुड की खबरों के बारे में जानने के लिए देखनी पड़ेगी आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। काजोल बॉलीवुड की एक बिंदास क्वीन, एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि हमेशा अपनी बचकानी हरकतों से अपने परिवार को पेरिस करती आई है। वल अपने हस्बैंड अजय देवगन को भी उन्होंने एक बार इतना परेशान किया कि अजय भी नाराज नजर आए जब हुआ उन्हें अपमानित महसूस। भाई इस वक्त की हम कर रहे हैं बात, कि आप जानना चाहेंगे तो आपको इस रिपोर्ट में बता दें, मीडिया के सामने अजय देवगन को एक बार एक शो के दौरान जब मराठी बोलने के लिए बार बार अजय देवगन से उनकी पत्नी काजोल ने उन्हें रिक्वेस्ट किया तो वो काफी परेशान हो गए लेकिन बोल ही नहीं पाए। जी हाँ, इसी वजह से काजोल अपने हर अंदाज में सच्चे दिल से अजय का सम्मान तो करती हैं लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उनका कई बार मजाक भी बना जाती हैं। एक्टर के साथ जिनका क्लोज आना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन की भी कुछ कमजोरियों के बारे में जानने के बाद काजोल उनका पूरा का पूरा फायदा उठाती हैं। काजोल जो कि अपने कई दोस्तों के साथ दोस्ती की कुर्बानी दे चुकी थी, अजय देवगन के सख्त बिहेवियर की वजह से, शक्की मिजाज की वजह से वो काजोल अपने मैरिड लाइफ को एंजॉय करने के साथ स्ट्रांग बनाने के लिए किसी भी तरह से कोई कमजोर जगह नहीं बनाने देती, किसी भी तरह से अपने रिश्ते को कमजोर नहीं पड़ने देती। लेकिन फैंस के बीच जब ये राज खुला था तो कई कमेंट्स आए थे उनके फोटोज में, जो कि काजोल और अजय के सेल्फी को लेकर भी चर्चा हुआ इंस्टाग्राम पर जब वो शुरुआती दिनों में आई थी। बात इस खास रिपोर्ट में हो रही है बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा जो लगातार है चर्चा में, प्रियंका चोपड़ा जो पूरे वर्ल्ड में कर रही है राज, मिसेस जोनस नहीं बल्कि मिस इंडिया बनने के बाद इंटरनेशनल पॉप सेंसेशन से लेकर इंटरनेशनल एक्ट्रेस और क्वांटिको की क्वीन बनने के बाद बॉलीवुड की देसी गर्ल विदेशी बहू बनकर लाइमलाइट बटोर रही है, जो लगातार सुर्खियों में है फैमिली टाइम गुजारने को लेकर। लेकिन अपने हस्बैंड के साथ कैसा रहता है रिश्ता प्रियंका के, ये जानने का हमें रहता है इंतजार, तो आपको भी देना चाहेंगे हम इससे जुड़ी खबर। अगर देख रहे हो आप तस्वीर तो प्रियंका आराम फरमाती नजर आई है अपने हस्बैंड के साथ, उनके साथ लेटी, उनके साथ आराम फरमाती। वेल, अपने इन लॉ फैमिली के बीच अपने ससुराल में प्रियंका अपने बेडरूम से ज्यादा सोफे पर आराम करना काफी पसंद करती है। अक्सर प्रियंका की जो तस्वीरें सामने आती हैं उन तस्वीरों में वो सोफे पर आराम फरमाती बैठी क्वालिटी टाइम बिताती नजर आती हैं। तो वहीं उनका साथ देते हैं ज्यादा से ज्यादा वक्त निक जोनस, अमेरिकन सिंगर जो बन चुके हैं प्रियंका के हबी। 10 साल बड़ी हैं प्रियंका निक जोनस से, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं है इनके बीच। यही वजह है कि फैंस इनसे जुड़े हर लम्हे को जानने के बारे में हमेशा करते हैं इंतजार। बॉलीवुड में छाया हुआ है जादू अभिनेत्रियों का। इस रिपोर्ट में हम आपको जादू चलाती सलमान खान पर नजर आई एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जो कैटरीना कैफ तो नहीं है लेकिन सलमान खान की चहेती है। वेल, वो खूबसूरत हीरोइन कोई और नहीं आंचल सिंह है, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया जिससे खुल गया ये राज कि सलमान खान ने इस अभिनेत्री को दिया है अपना दिल, खुल गया है रिश्ते से जुड़ा ये बड़ा राज।
पर वो बड़ा राज कैसे खुला, आइए हम आपको बताते हैं अंचल सिंह के पोस्ट के जरिए। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट में लिखा, आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज ऑफ फोटोज विद अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट रोरिंग पिक्चर्स विद टाइगर इन फ्रेम, पिंक सलमान खान स्टाइल्ड बाय खुशी गोस्वामी। वही आपको बता दें, एक शूटिंग के दौरान सलमान खान के साथ इस फोटो को शेयर किया अंचल ने, जिसमें वो काफी खुश नजर आई हैं सलमान खान के साथ एटीट्यूड। सोफे पर बैठी तो सलमान जस्ट उनके पीछे खड़े नजर आए हैं। सलमान खान तो दरिया दिली कहलाते हैं, साथ में उनका व्यवहार भी सेट पर महिलाओं के साथ, फीमेल कलाकारों के साथ लाजवाब रहा है। इसी का इशारा है ये तस्वीर जो हम लाए हैं आप सभी के बीच। बॉलीवुड में खुशी कपूर और मलाइका अरोड़ा के बीच आखिर कौन सा कनेक्शन है, ये जानने का सभी को इंतजार था। तो चलिए आपको इंतजार खत्म करते हुए आपको बता दें, आखिर कैसे खुशी कपूर का कनेक्शन इतना गहरा हुआ मलाइका के साथ कि वो अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड मलाइका को अपनी भाभी बनाने के लिए खुद देंगी खुशखबरी, खुशी खुशी खुद खुशी कपूर। वेल, ये राज तो तब खुला जब मलाइका अरोड़ा की तरह खुशी की वो तस्वीर सामने आई जो मलाइका की तरह अपने बॉडी पर टैटू बनवा चुकी है, उस जगह जहां बिल्कुल मलाइका अरोड़ा ने भी बनवा रखी थी। पर क्या है सिमिलैरिटी इनके टैटू में, आप जानना चाहेंगे तो आपको बता दें, दोनों ने सेम जगह पर टैटू बनवा रखा है। पर दोनों ही ग्लैमर इंडस्ट्री पर राज करने वाली हसीनाएं हैं। खुशी छोटी सी उम्र में ही मलाइका की तरह खूबसूरत लुक में नजर आती हैं, तो वही जानवी ने मलाइका को स्वीकार कर ही लिया। ये तो आप जानते हैं कॉफी विद करण शो के सीजन 6 में इसका खुलासा हो ही गया। तो वही अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका के साथ अपने रिश्ते को शादी में बदलने के लिए कितने तैयार है, ये राज बीते साल कई बार सामने आए जब दोनों को साथ साथ फैमिली इवेंट से लेकर कई पार्टीज में देर रात देखा गया। बॉलीवुड में सानिया मिर्जा को लेकर अक्सर ये खबरें आती रही हैं और हम आपको ये खबर जरूर देना चाहेंगे। सलमान खान की चहेती, बॉलीवुड स्टार्स की चहेती सानिया मिर्जा एक बार फिर अपने बच्चे की तस्वीर को लेकर चर्चा में आ गई है। जरा आप तस्वीरों तो देखिए, तस्वीर में कितने क्यूट लग रहे हैं सानिया के बेटे। पर सानिया अपने बेटे के साथ नजर आई है, कुछ ही महीनों में कितने बड़े हो गए हैं सानिया मिर्जा के बेटे। आप देख सकते हैं थलथाम कर देखिए ये तस्वीरें जो सानिया मिर्जा की हो रही है वायरल। अपने बेटे को प्यार देते हुए ममता लुटाती सानिया कितने खुश हैं, ये तो आप देख ही रहे होंगे। बता दें हम आपको, सानिया मिर्जा और उनके हस्बैंड शोएब दोनों ही अपने बेटे को लेकर काफी खुश हैं। बेटे के जन्म के बाद मदर और एंजॉय कर रही है सानिया, जो अपने बेटे की हर तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपने फैंस के बीच शेयर करती हुई नजर आती है। तो ये था पांच कतर का, जिसके स्पेशल एपिसोड में हमने पांच बड़ी खबरें आपको दी, जिसका आपको हमेशा रहता है इंतजार। पांच खबरें हमने आपको दी और पांच लेटेस्ट खबरों के साथ आपके मन पसंदीदे सितारों से जुड़ी खास बातें हमने आपको बताई। बॉलीवुड टाउन में क्या चल रहा है और बॉलीवुड की रियल लाइफ कितनी अलग है, पर्दे की जिंदगी और पर्दे के पीछे की कहानियां कितनी अलग है, ये आपने जाना। तो अब दे दीजिए मुझे इजाजत, लौटेंगे फिर एक और अगले एपिसोड को लेकर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, बॉलीवुड की डिटेल खबरों के साथ, बॉलीवुड की लेटेस्ट हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स के साथ। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और हर खबर के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।